मैं जयप्रकाश श्रीमानी प्रवक्ता हूँ विद्या भवन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में। अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने साथियों से और देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि अपना देश विकास भी करना चाहिए, स्वच्छ भी रहना चाहिए और हरा भरा भी रहना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी बड़ी परियोजना हो, चाहे बड़े बांध हो, चाहे सड़कों का विस्तार हो, चाहे सड़कें चौड़ी हो, चाहे शहरों का विकास हो या औद्योगिकरण हो, होता यह है कि पहले पर्यावरण को नुकसान होता है और फिर विकास होता है। अगर हम बड़े बांध की बात करें तो जंगल के जंगल डूब क्षेत्र में आते हैं। आप ये सोचिए कि औद्योगिकरण में अगर हम ये देखें कि 1 टन सीमेंट अगर बनती है तो साथ में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस की बात यहाँ पे आवश्यक है। अगर हम 1 टन बैम्बू लगाते हैं तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है। अब इस स्थिति में हमें आना होगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को खत्म करके और इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करनी होगी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा। जल, जमीन, जंगल सबको सुरक्षित रखते हुए देश का विकास करेंगे तब सभी लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी और शुद्ध हवा मिलेगी जिसमें वो सांस ले सकें।